हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स अपडेट में। इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कबीरधाम जिला के अंतर्गत आदिवासी विकास शाखा में यहां पर 3-4 प्रकार के पद खाली हैं जिसके लिए यहां पर सीधी भर्ती किया जाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो उम्मीदवार जो इसकी योग्यता को पूरा करते हैं 29 मई 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं यहां पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें पद जो है 3 प्रकार के पद हैं। सहायक ग्रेड 3 के पद हैं, वाहन चालक और भृत्य के कुल यहाँ पर 16 पद यहाँ पर रिक्त है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इन तीनों पदों के लिए योग्यता पूरा करते हैं आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जो भर्ती है नियमित रूप से रेगुलर पद पर भर्ती किया जाना है यहाँ पर सीधी भर्ती, जिसके लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर चयन प्रक्रिया यहाँ पर रखा गया है अलग अलग पदों के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखेंगे और वेतन काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर नियमित पद पर भर्ती है। ठीक है, सबसे पहले सहायक ग्रेड 3 के लिए जो पद है वेतनमान आपका 5200 से 20200 के आसपास रहेगा, बेसिक रहेगा। छठवां वेतनमान के आधार पर 1900 ग्रेड पर आपका है। ठीक है, लेवल 4 का यहाँ पर जॉब रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए कुल 3 पद रिक्त हैं जिसमें से आपका तीनों जो पद है मुक्त है, यानी कि कोई भी वर्ग के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा जो पद है आपका वाहन चालक का, इसके लिए यहाँ पर एक ही पद है, लेवल 4 का जॉब है, 19500 से 62000 बेसिक रहेगा ये आपका वेतनमान यहाँ पर। ठीक है, और अंतिम जो पद है आपका भृत्य का पद है, वेतन छठवां वेतनमान के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं और लेवल 1 का जॉब जिसका बेसिक वेतन 15600 से 49400 रहेगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 12 है जिसमें से महिला के लिए 3 पद रिक्त है और यहाँ पर मुक्त यानी कि कोई भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके लिए 9 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और अनारक्षित के लिए 4 पद यहाँ पर रिक्त है। ठीक है, तो कुल 12 पद इसके लिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके योग्यता वगैरह को पूरा करेंगे वो डिटेल से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिले की वेबसाइट में इसका जो PDF आपको मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में PDF आपको मिल जाएगा, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता रखा गया है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है सहायक ग्रेड 3, इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, या फिर 12वीं के साथ यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर प्रथम वर्ष का जो परीक्षा स्नातक का वो भी कंप्लीट किए हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। साथ में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड के लिए कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा। दूसरा जो पद है यहाँ पर वाहन चालक, जिसके लिए यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। ठीक है, और वैध मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए जो कि आपका स्थायी लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा जो पद है भृत्य के लिए, इसके लिए केवल 5वीं पास अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है आपका 5वीं पास जो है दिया गया है, जिसकी कैटेगरी यहाँ पर ग्रेड में यहाँ पर दिया गया है 80 से 100 अंक वाले के प्रतिशत को ए ग्रेड, 66 से लेकर 80% वालों को बी ग्रेड, सी ग्रेड जो कि 51 से 65 और 36 से 50% वालों को डी ग्रेड और 36% से नीचे वाले को ई ग्रेड में यहां पर रखा गया है। ठीक है, CBSE वालों को आयु सीमा यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। बाकी आयु में छूट यहाँ पर जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिल जाएगा तथा इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवकों को यहाँ पर निगम या मंडलों द्वारा जो भी आयु सीमा में छूट दिया जाता है वो 38 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर छूट दिया गया है अलग अलग प्रकार से, वो आप डिटेल से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगा, सहायक ग्रेड 3 अलग अलग पद के लिए अलग अलग दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी में, उसके लिए 20 अंक, योग्यता का 70% अंक और अनुभव का 10 अंक, इस प्रकार से 100 अंक यहाँ पर इसमें मेरिट बनेगा इस सब के लिए। वाहन चालक के लिए देख सकते हैं 70% योग्यता का रहेगा, शैक्षणिक योग्यता का,
और कौशल परीक्षा या दक्षता का 20 अंक और 10 अंक जो है आपका अनुभव का रहेगा, जो कि एक अंक एक वर्ष के लिए, अधिकतम 10 वर्ष के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 अंक यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर मेरिट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चतुर्थ पद जो है दिया गया है। ठीक है, इस पद के लिए जो है आपको चतुर्थ श्रेणी के वृद्धि के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण प्राप्त अंकों के मेरिट तैयार किया जाएगा, इसी के आधार पर यहाँ पर इस पद के लिए चयन किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ये जो आवेदन का जो फॉर्मेट दिया गया है इसको भर के जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके लिए आप यहाँ पर कौशल परीक्षा वगैरह के लिए अपना प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।